नमस्कार, आपका स्वागत है एशिया न्यूज इंडिया में। आपके साथ मैं बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री दिसंबर माह में पालमू जा रहे हैं। 10 दिसंबर से 12 दिसंबर तक हनुमंत कथा का आयोजन होगा। इस दौरान वह हनुमंत कथा सुनाएंगे और लोगों के पर्चे भी निकालेंगे। सदर प्रखंड के जोड़खनवा में आयोजित होने वाले इस धार्मिक आयोजन की स्वीकृति बुधवार को प्रशासन की ओर से दे दी गई। सदर एसजी अनुराग कुमार तिवारी ने इसकी पुष्टि की। बागेश्वर बाबा का झारखंड में यह पहला दौरा है। गिरिडीह और धनबाद में उनके आगमन को स्वीकृति नहीं दिया गया। कथा का आयोजन श्री हनुमंत कथा आयोजन समिति करा रही है। समिति ने 9 अक्टूबर को डीसी को आवेदन देकर कार्यक्रम के लिए प्रशासनिक स्वीकृति और सुरक्षा की मांग की थी। इस पर निर्णय के लिए डीसी ने एसडीओ को निर्देश दिया था। प्रशासन की ओर से स्वीकृति मिलने में हो रही देरी पर आयोजन समिति ने इस मामले को लेकर हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई होने के पहले ही एसडीओ अनुराग तिवारी ने बुधवार को आयोजन समिति पुलिस प्रशासन के साथ बैठक की। बैठक में सुरक्षा रूट चार्ट, पार्किंग और आयोजन स्थल पर होने वाली व्यवस्था के ब्लूप्रिंट पर चर्चा किया गया। कार्यक्रम की अनुमति मिलने के बाद शाम में खनवा में हनुमंत पूजा कर कार्यक्रम की तैयारियां की शुरुआत की गई। बैठक में एसडीपीओ सुरजीत कुमार, सदर सीओ अमरदीप सिंह बल्होत्रा, पाटन सीओ दीपक कुमार मिश्रा, शहर थाना प्रभारी अभय कुमार सिन्हा, सदर थाना प्रभारी गौतम कुमार, अग्निशमन पदाधिकारी, आयोजन समिति के नितेश सिंह, शरद चरण, दीनानाथ राय, अतुल कुमार अखोरी आदि उपस्थित थे। इसी के साथ बने रहे एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।